मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी एवं विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए विश्व फाउंडेशन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग को 2 ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किए थे, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार और बैरागढ़ सिविल अस्पताल में प्लॉटों का लोकार्पण आज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हम अलर्ट हैं और व्यवस्था की जा रही है। जहां भी डेंगू पाया जा रहा है वहां सर्वे टीमें जा रही है और सर्वे कर रही है। इसी के साथ जब उनसे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो उस पर मंत्री जी बचते हुए नजर आए। देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन के प्लांट जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 190 प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, अभी तक 88 प्लांट अभी तक बनकर तैयार हो गए हैं, बाकी पर भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसी कड़ी में आज बैरागढ़ में भी जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था उसका आज शुभारंभ किया है। अलर्ट है और जो भी पेशेंट आ रहे हैं जो सीजनल जो बीमारियां होती हैं मौसम के उसमें, चाहे मलेरिया हो या डेंगू हो, या उनका सबका इलाज भी किया जा रहा है और डेंगू जहां पाया जा रहा है सर्वे टीमें हमारी जा रही हैं। ये छोटे छोटे बच्चों पे वायरल की बीमारी नष्ट कर रहे हैं। हड़तालों को लेकर लगे हुए थे, पिछली बार तो हड़तालें समाप्त हो गई थी, लेकिन लंबे समय से देखा जा रहा है कि जो जूनियर डॉक्टर अपनी हड़तालों को लेकर लगे हुए थे, पिछली बार तो हड़तालें समाप्त भी कर दी गई थी, लेकिन डेंगू या मलेरिया मलेरिया की जो बीमारी हो, जो वायरल की बीमारी है, इस पर रोकथाम के लिए क्या करा है अभी तक?